नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया में। इसमें बलिया जिला के बेलसा रोड में मौजूद हूं और सीआरसीएससी है। यहां पे कायाकल्प की टीम आई हुई थी, जिनके द्वारा जो है सभी वार्डों का जांच किया गया। पैथोलॉजी कक्ष हो, एक्सरे कक्ष हो, ओपीडी हो और नेत्र विभाग, सभी विभागों को जांच की गई। आइए उनके जो टीम के सदस्य हैं, जिनके द्वारा जांच की, उनसे समझते हैं कि किस तरह की जो है सुविधाएं जो है वहाँ इन्हें देखने को मिली और क्या कमियां रहीं जिसे सुधार करने की सीएससी में जरूरत है। जी सर, आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर मोइनुद्दीन अंसारी, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंसल्टेंट देवरिया। आज कायाकल्प का एक्सटर्नल असेसमेंट हो रहा है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा नामित किया गया था आज आपके सीएससी का असेसमेंट करने का। तो हमने 8 थीमेटिक एरिया पे असेसमेंट किया। पहला हॉस्पिटल अभी देखने में कैसा है, सुंदर स्वच्छ हो और पौधे लगे हुए हों, सब जगह पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, पंखे लगे हुए हों, यह हॉस्पिटल अभी में देखा जाता है। दूसरा, सैनिटेशन हाइजीन स्वच्छ हो, साफ सफाई हो, बकेट्स लगे हुए। जिला क्वालिटी कंसल्टेंट से आगे जानकारी लेने से पूर्व आइए देखते हैं उनके द्वारा की गई जांच और पूछे गए सवाल में सीएससी सीआर की व्यवस्था कितनी अच्छी दिखी और स्टाफ कितने निपुण मिले। जांच में सबसे पहले पैथोलॉजी विभाग को देखा गया और जांचा गया। आप देख पा रहे हैं, यह सीएससी सीआर का पैथोलॉजी विभाग है। विभाग में तैनात एलटी सुशील व नवीन से जानकारी ली व जरूरी जानकारी भी दी, छोटे कक्ष पर सवाल किए, जिस पर सीएससी अधीक्षक ने बताया कि नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जल्दी पैथोलॉजी वहाँ शिफ्ट हो जाएगी। ट्यूबरक्लोसिस विभाग में विजय कुमार निर्मल मिले, एक्सरे कक्ष में विनोद कुमार गौतम, दिनेश उपाध्याय से जरूरी पूछताछ का सुझाव भी दिए। आयुष चिकित्सक डॉक्टर एके जायसवाल ने अपने छोटे कक्ष और उसी एक कक्ष में डेंटल हाइजेनिस्ट ओम प्रकाश यादव के साथ बमुश्किल मरीजों का इलाज कर पा रहे थे। वैसे भी सीएससी में प्रतिदिन लगभग हजारों मरीज इलाज कराने आते हैं। डॉक्टर के पास कुछ महत्वपूर्ण औजार जिसकी कमी रही, खास तौर से मोबाइल के टॉर्च का प्रयोग इलाज के लिए करना, टॉर्च के लिए इस्तेमाल करने वाला उपकरण डेंटिस्ट के पास मौजूद नहीं। ओपीडी में आज के दिन 3 डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर रहे, जिसमें खुद सीएससी अधीक्षक राकेश कुमार सिंह तो दूसरे डॉक्टर के रूप में विक्रम सोनकर तो वहीं तीसरे डॉक्टर देवेश रहे। डॉक्टर विक्रम सोनकर से ओपीडी में आने वाले मरीजों, उनका सही इलाज होता है या नहीं, इस संबंध में कई सवाल पूछे गए, सभी जवाब संतोषजनक मिले। पुराने कक्ष में मरीजों को लेटने के लिए कोई ब्रेंच न होने से डॉक्टर को उनकी जांच के लिए ड्रेसिंग कक्ष या पुरुष वार्ड में जाना पड़ता है, छोटे कक्ष इसमें रुकावट है। दवा वितरण कक्ष में चीफ फार्मासिस्ट इश्तियाक अहमद, फार्मासिस्ट एके सिंह, कृष्ण कुमार सिंह से पूछा एक्सपायर दवाओं के लिए किस तरह की व्यवस्था होती है, रजिस्टर कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, दवाओं के वितरण रख रखाव के संबंध में जाना और जरूरी सुझाव भी दिए। नेत्र विभाग, लेप्रोस्कोपी विभाग देखने के बाद महिला चिकित्सक कक्ष में डॉक्टर अंजू जायसवाल मिली। सीएससी का यह सबसे बिजी ओपीडी कक्ष है, देखिए क्या सवाल जवाब हुए। सुमन के आपने जाना है? हाँ, सुमन के नील होता है फिर नकल होता है? नहीं, थंब होता है, थंब कलाई, मूवमेंट होना चाहिए। अब ये आपने मूवमेंट ये कर लिया, हैंड वॉश कर लिया, अब मूवमेंट ऑफ हैंड वॉश कैसे करेंगे? मरीज को छूने से पहले, छूने के बाद कोई प्रोसीजर करने से पहले, उस प्रोसीजर करने के बाद यही मूवमेंट ऑफ हैंड वॉश कर, जैसे आप पीवी कर रही हैं, दूसरे मरीज को करना पीवी, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है कि अगर कोई भी पेशेंट है उसको पहले से कोई इन्फेक्शन ना रहे और वो हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल के मतलब विजिट के दौरान अगर वो कभी कोई इन्फेक्शन एक्वायर्ड कर रहा है, उसको इन्फेक्शन वगैरह, तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड। डिलीवरी रूम भी आप ही देखते हैं? पेरिनेटल टियर में कैसे उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको कैसे हम लोग बचेंगे? जो पेरिनेटल टियर होता है उसमें सबसे पहले हम लोग पेशेंट का जो वेट, जो एएनसी विजिट पे आती है, फीटल वेट को मॉनिटर करते हैं, उसके कुछ क्राइटेरिया होती है कि नॉर्मल डिलीवरी कितने वेट तक हम पेरिनेटल टियर सर उसमें हम लोग एपिजियोटमी देते हैं अगर हमको पहले। मरहम पट्टी कक्ष में वार्ड बॉय चंद्रभान यादव व महेंद्र कुमार तिवारी की ड्यूटी रही। महेंद्र कुमार तिवारी से पूछा ड्रेसिंग कैसे करते हो। ओटी कक्ष में वहां की व्यवस्था से जांच अधिकारी बहुत ही प्रफुल्लित नजर आए।
सभी इंस्ट्रूमेंट व उसके रख रखाव की तारीफ की। प्रसूता कक्ष में तैनात नर्स ध्रुव स्वामी, दीपा, गिरजा देवी, सुमन सिंह, नीलम सिंह से कुछ सवाल किए, वहां से वह संतुष्ट दिखे। सीएससी के दवा भंडारण में खराब फर्श पर सवाल खड़े किए, जिस पर अधीक्षक द्वारा बताया गया दीवारें भी कुछ ठीक नहीं है। जांच अधिकारी द्वारा प्रेस वालों से कहा, हम आपके माध्यम से जन प्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहेंगे। दीवारें भी वही हैं, अगर मान लीजिए कि अगर एक किल्ली भी कोड़ने के अंदर तो गंगा बालू से सब बाहर आ जाए। अच्छा अच्छा, क्वालिटी अच्छी नहीं गोद लिए थे लोग नेता लोग सांसद विधायक। तीसरा जो है बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन कैसा है, बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जो है बायोमेडिकल वेस्ट रूल 2019 के अनुसार कलर कोडेड बकेट्स हर जगह उपलब्ध हैं, हर जगह रखे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है सेग्रीगेट होना चाहिए। तो उस चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि काफ़ी अच्छा ये किया जा रहा, कुछ कुछ पॉइंट्स पे जो है सेग्रीगेशन अच्छा नहीं था, तो जैसे कि आई डिपार्टमेंट में सेग्रीगेशन अच्छा नहीं था और बाकी जगह जो है लेबर रूम में काफ़ी अच्छा वो लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये चीज़ों पता है। तो उसके बाद से जो है इन्फेक्शन कंट्रोल में भी सब जगह है, आई डिपार्टमेंट में भी थोड़ा सा कमियां हैं, वहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो रहा है। सपोर्ट सर्विस तो इस सीएससी पे काफ़ी अच्छा है, सारी स्टाफ बहुत एक्टिव है, एंथुसियास्टिक हैं और हमारे अधीक्षक साहब जो है इस सीएससी के जो है काफ़ी एक्टिव हैं। उसके बाद से हाइजीन प्रमोशन, वो पोस्टर की कमियां हैं, पोस्टर और लगने चाहिए। उसके बाद हाई बियॉन्ड बाउंड्री वाल भी है और बाउंड्री वाल काफ़ी अच्छा है, इको फ्रेंडली वर्क हो रहा है। थोड़ा बायो ये हर्बल गार्डन वगैरह नहीं है, पौधे वगैरह लगे होने चाहिए, और कुछ और पौधे लग जाए तो और अच्छा हो जाएगा। तो मैं सारी चीज़ों को मैंने देखा हूँ, काफ़ी अच्छा है अस्पताल और आई होप दैट कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा काम होगा और यहाँ के अधीक्षक भी काफ़ी एक्टिव हैं। मैं यही कामना करता हूँ कि और अच्छे से काम हो और प्रोग्रेसिव काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों का लाभ मिले और सुविधाएं मिले ताकि पब्लिक को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। आपने सर कुछ तो बता ही दिया है, तो अगर सीएससी सीयर को अगर नंबर देना चाहेंगे 10 में से कितना नंबर? सर देखिए 100% का मार्क्स होता है, अब स्कोर के आधार पे थीमेटिक एरिया के आधार पे इनको स्कोर करना है, तो हम ये 70% से ऊपर ये मीन्स 70-75 तक हम इसको नंबर दे सकते हैं, ताकि जो है ये क्योंकि सारे चेक पॉइंट्स जो है कवर कर रहे हैं और आठों थीमेटिक एरिया इनका कंप्लीट हो रहा है, जिसमें जो है हम 70% से एबव स्कोर करें। सर जिस तरह से आपने बताया है कि डॉक्टर स्टाफ अच्छा है, सुविधाएं अच्छी है, पैथोलॉजी विभाग में भी आपने देखा है पैथोलॉजी जो है मुख्य अंग है, क्योंकि डॉक्टर उसी पर जो ट्रीटमेंट करता है, क्या इसमें जो है निकला है मरीज को क्या समस्या है, उस विभाग को भी आपने देखा, उसमें क्या कमियां रहीं, क्या सुधार की ज़रूरत है और क्या अच्छा लगा आपको? सर इसमें थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, थोड़ा और जगह मिलना चाहिए और अधीक्षक द्वारा ये बताया गया कि नया लैब के लिए बन गया है भवन और हम उसमें लैब को नए भवन में शिफ्ट करेंगे, तो हमारी सुविधाएं और अच्छी हो जाएंगी, तो ये स्पेस की थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ दिख रहा है जो है उनका सही वगैरह। जी जी, मशीनें सही हैं, कैलिब्रेशन भी है और सारे टेस्ट जो है प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं। थैंक यू सर। जांच अधिकारी द्वारा अंत में सीयर सीएससी को 100 नंबर में 70 नंबर दिए गए। जांच से यह बात तो पता चली कि सीएससी अधीक्षक द्वारा सुधार के लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ और प्रयास की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से ओपी सिंह की रिपोर्ट।